प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएसआर फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपके लिए लेकर के आया हूँ अध्याय चार, जो हम हल कर रहे हैं। इसके मैंने आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न एवं सात तक के प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर आठवें से उत्तर दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो आठवां प्रश्न देख लें आप लोग फटाफट। निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करना, कुछ नहीं करना, केवल गणितीय रूप में उसको व्यक्त करना है। तो देखें यहाँ पर आठवां प्रश्न है, कह रहा था कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेती है। इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखें आप उत्तर, माना रेलगाड़ी की चाल मान ली हमने स्टार्टिंग में कितनी है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर रही थी वो, 480 किलोमीटर। सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यहाँ से हम समय को यहाँ ले आएँ और चाल को यहाँ ले आएँ तो समय का फॉर्मूला बन जाएगा दूरी बटे चाल। अब कंडीशन क्या बोल रही है, कितना समय ले रही है वो, समय बराबर दूरी कितनी थी 480 किलोमीटर और चाल कितनी थी एक्स। तो समय बराबर आ गया 480 बटे एक्स घंटे। अब प्रश्न कुछ कह रहा था, प्रश्न क्या कह रहा था, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो उसी दूरी को वो तय करने में कितना समय लेगी, 8 घंटे कम हुए हैं तो देखो ये समय क्या हो जाएगा, x माइनस 8। पहले x था तो अब हो गया x माइनस 8, 8 घंटे कम हो गया समय। तो वो कह रहे हैं कि प्रश्न क्या कह रहा था कि पहले शुरुआत में वो कितना चल रहा था, पहले शुरुआत में इतना ले रहा था और बाद में 8 घंटे कम कर दिए गए तो वो 3 घंटे अधिक लेने लगा, ठीक है। तो इसी को पूरा सेटअप हम जमा के इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे हमने लिख दिया 480 बटे एक्स माइनस 8 बराबर 480 बटे एक्स प्लस 3। अब इसको हम हल करेंगे, इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, ये एक्स का यहाँ 3 में गुणा हुआ, ये एक का इसमें गुणा हुआ, तो एक के गुणा होने से तो कोई फर्क पड़ा नहीं। एक्स का जब 3 में गुणा हुआ तो आ गया 3x बटे में एक्स है वो ज्यों का त्यों। और यहाँ पे तो ये स्टेप ज्यों का त्यों था ही, इसमें कुछ चेंजेस किया नहीं, हमने 13 गुणा कर दिया। 13 गुणा क्या होता, ये स्टेप का इसमें गुणा और ये स्टेप का इसमें गुणा। तो ये एक्स गया 480 के साथ, 480 गुणा एक्स, और ये एक्स माइनस 8 इस पूरे के साथ। तो देखो ये एक्स माइनस 8 इस पूरे के साथ लिख दिया गया। अब देखें आप ध्यान से, 480 का एक्स में गुणा हुआ तो हो गया 480 एक्स बराबर एक्स, ये जो रहा x माइनस 8 इसे तोड़ दिया हमने। एक बार इसे x के साथ इस पूरे का गुणा कर दिए, फिर माइनस 8 के साथ इस पूरे का गुणा कर दिए। तो ये x के साथ ये पूरा लिख दिए, फिर माइनस 8 के साथ भी ये पूरा लिख दिए। इसके आगे अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देखें ये स्टेप तो आपको समझ में आ गया, ये हुआ क्या। अब यहाँ पे देखो, x का 480 में गुणा हुआ तो 480 एक्स, x का 3x में गुणा हुआ तो हो गया 3x स्क्वायर। इसके बाद ये 8 का जब 480 में गुणा होगा तो आ जाएगा 3840। ऋण तो ऋण रहा, अब इस ऋण का इस धन में गुणा हुआ तो ये आ गया ऋण। 8 का 3 में गुणा हुआ हो गया 24x। अब हम क्या करें बच्चों, इसका ट्रांसफ़र इस तरफ कर लें। इसका क्यों ट्रांसफ़र करें, अभी हमने पिछले वीडियो में आपने देखे थे इस तरफ वालों का ट्रांसफ़र किया जाता है, आप चाहें तो उस वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं। एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ये हमें प्लस में बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये ऑलरेडी प्लस का है, तो अगर हम इस पूरे टर्म का सेट पक्षांतर करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं करेंगे। इसको हमने पक्षांतरित कर दिए। तो ये देखिए, ये लिखा था 3x स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों लिखा। अब x वाले पद देखें, ये रहा ऋण के 24x, तो ये ऋण के 24x है। ये 480x इस तरफ आया तो ये देखें यहाँ पर 480x ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये जो 480x है ये धन का, ये तो लिखा हुआ है, और ये ऋण के 3840 थे ये लिखे हुए हैं। गौर से देखें, ये 480 धन के और ये ऋण के कट गए, कुल मिला के क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस 3840। अब हम क्या करें, इसमें बच्चों 3 का भाग दे दें, क्योंकि ये तीनों अंक जो हैं 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 का भाग दे, तो 3 का जब भाग करे तो ये कितना आ गया, ये केवल एक्स स्क्वायर बचा, ये हो गया 3 8 24, और इसको जब भाग दिए तो 1280 बराबर 0। प्रश्न क्या कह रहा था कि इसका क्या करना है, गणितीय रूप बनाना है, व्यक्त करना है। तो ये जो हो गया वो अभीष्ट गणितीय रूप है, इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्न ने केवल गणितीय रूप पूछा है। अतः अभीष्ट गणितीय रूप इतने इतने का है, जहाँ रेलगाड़ी की सामान्य चाल एक्स है, ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हो गया हमारे आठवें प्रश्न का उत्तर। नौवां प्रश्न अब हम देख लेते हैं। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल है, पूरी कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, देख लें आप इसको। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है,
इन्हें हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है, कौन कौन से पूर्णांक है। मगर प्रश्न फिर से सुन लें, कहा गया है गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अगर आपको पूरा हल करने के लिए नहीं किया गया है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सॉल्व शॉर्ट में हल कर दें। देखो माना वे पूर्णांक क्या है, x और x प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार इनका गुणनफल, तो देखो पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक भी है। देखो प्रश्न में लिखा है था स्पष्ट कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब x प्लस 1 है, तो ये इनका गुणनफल 306 है। इसको सॉल्व करें हम, x और x का गुणा x स्क्वायर, x का 1 में गुणा तो x, और ये जो 306 रहा, देखो यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में स्पीड में कर दिया है, एक्चुअल में क्या था, ये रहा जो x और ये था x प्लस 1 बराबर 306, ठीक है। अब यहाँ पे इस x का x में गुणा करें तो x स्क्वायर प्लस x का 1 में गुणा करें तो x से कम x बराबर 306, यहाँ से इसका ट्रांसफर कर दिए, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो ये जो है ये आ गया इतना, यहाँ जहाँ अभीष्ट देखा समीकरण क्या है, a बराबर 1, b बराबर 1 और c का मान ऋण के 306, यही गणितीय रूप है। अब आप चाहो तो इसके आगे इसको आप हल कर सकते हो, लास्ट में अगर आपको उत्तर भी देना है पूरा तो आप हल करके इसको आप सॉल्व करके बतला सकते हैं, मगर मेरा मानना है चूँकि गणितीय रूप में बस बात की गई है तो आप इतना लिख करके इसको खत्म कर सकते हैं। बात है अब अगले प्रश्न दसवें की, दसवां प्रश्न क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर धन के एक्स धन 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे, ठीक है। तो देखें आप इसको, दसवां प्रश्न है, दिया गया द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर धन के एक्स धन 3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से करते हैं। व्यापक समीकरण क्या होता है बच्चों, ये होता है व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसकी तुलना करते हैं हम। तुलना करें जब हम, तो ए का मान ये कहलाएगा, बी का मान ये कहलाएगा, सी का मान ये कहलाएगा, करते हैं हम। अब प्रश्न क्या कहा गया है कि समीकरण के मूल बराबर हैं, और जब अगर मूल बराबर होते हैं तब विविक्ति कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता, करते हैं हमें इसे सिद्ध। बी स्क्वायर मतलब कि बी का मान के रख दो, के स्क्वायर माइनस तो माइनस, फोर तो फोर, ए का मान आएगा 2, कहाँ से, यहाँ से, सी का मान आएगा 3, कहाँ से, यहाँ से, ये आ गया। इसको सॉल्व करें, 4 × 8 = 24, तो ये आ गया के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। 24 का पक्षांतर करें तो इस साइड आकर के प्लस का हो गया। अब इसमें हमने यहाँ से क्या करें, वर्ग हटाने पर, ये क्या हुआ है यहाँ पे, वर्ग हटाने पर, जब हमने वर्ग हटाया बच्चों तो यहाँ पे करनी लग गई 24 में, और करनी 24 को हम लिख सकते हैं, 24 का मान 2 × 4 × 8 = 24। अब जब करनी लगी रहती तो जोड़े बन के बाहर निकलते थे, देखो 2 का एक जोड़ा बन गया तो बाहर निकल गया, और बाकी 2 × 3 बचा था 6। अतः समीकरण के दो मूल कौन कौन से आए, एक बार प्लस का 2 करनी छः, एक बार माइनस का 2 करनी छः, तो इसको इकट्ठे इसी रूप में लिख सकते हैं कि बराबर प्लस माइनस 2 करनी छः होंगे। ये हो गया बच्चों प्रश्न नंबर 10वें का उत्तर। बात करते हैं 11वें प्रश्न की, 11वां प्रश्न क्या कह रहा था बच्चों, द्विघात समीकरण के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन, दिया गया द्विघात समीकरण है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसका हमने के एक्स का, ये के एक्स का इस एक्स में गुणा कर दिए, तो जब के तो के हो जा, जब कहते हैं था एक्स का एक्स में हुआ एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस 2 में जब जाके ये के एक्स गुणा हुआ तो हो गया 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। मतलब यहाँ पे ए का मान आ गया के, बी का मान आ गया ऋण 2 के, और सी का मान आ गया 6। अब बात कही गई है कि इसके मूल बराबर हैं, सेम वही फंडा जो अभी हमने लगाए थे, तो मूल बराबर होते तो क्या होता, विविक्तिकर का मान 0 के बराबर होता, रख दें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर मतलब कि बी का मान रख दो ऋण 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर हो गए माइनस माइनस 4 तो 4, ए का मान के, सी का मान 6। इसको सॉल्व करें, ऋण वाली संख्या के ऊपर जब कभी भी 2 या 2 के पहाड़ा की घात होती है तो वो धन में बदल जाता है, तो ये हो गया धन, 2 का वर्ग हो गया 4, के स्क्वायर जी जो कहते हो माइनस 4 का 6 में गुणा हुआ तो हो गया बच्चों 24 के, 24 के का पक्षांतर करके इस तरफ ले आए हम, तो ये हो गए धन के 24 के, यहाँ था 4 के स्क्वायर, यहाँ था 24 के, 4 एकम 4, 4 छिंग
24। तो ये के स्क्वायर बराबर के रहा, तो यहाँ पे देखो इस के से एक के भी कट गया, कुल मिला के यहाँ के बचा और यहाँ पे 6 बचा, तो के बराबर 6, अतः के का अभीष्ट मान के बराबर 6 होगा। ये जो आया के का मान आ गया। और इसमें जो बात कही गई थी प्रश्न में कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दो बराबर मूल हों, तो इसका के बराबर 6 के लिए समीकरण के दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। 12 से स्टार्ट हो रही है बच्चों गुणनखंड विधि, और 13 भी गुणनखंड विधि का प्रश्न है आपके लिए। तो देखें आप 12 और 13 जो है उसको मैं अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो में केवल इन 2-3 प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो आप इनको देख लें और तैयार कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में जिसमें हम गुणनखंड विधि करना सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।